बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब अपने घरों में सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, हमारा ये सेशन है असेसमेंट सॉल्विंग सेशन, ठीक है। इसमें हमने आज क्या करना है, असेसमेंट शीट नंबर 12 उर्दू की हमने सॉल्व करनी है। जी, असेसमेंट सॉल्विंग सेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी जो असेसमेंट शीट्स हैं उसको बआसानी फिल कर सकें। और साथ में जो आप लोग गलती करते हैं या आपको पता हो कि हमने यहाँ पे ये गलती की है तो आप उसको सही करके दोबारा से लिख सकें। जी, तो अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ जो कि है उर्दू का 12 लेक्चर है। जी, इसमें सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर गोल दायरा लगाएं। ठीक है, बोर्ड पर मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है, मेरे पास इमला की गलती है। इमला की गलती है, इमला की गलती है। अलिफ ऑप्शन है हमारे पास गुजारिश। इमला की गलती है, अलिफ ऑप्शन है गुजारिश, बे ऑप्शन भी गुजारिश। अब क्या है, दोनों वर्ड्स गुजारिश ही हैं। ठीक है, अब ये भी वर्ड गुजारिश है और ये वाला वर्ड भी गुजारिश है। अब इसमें सिर्फ क्या है कि यहाँ पे ज़े से, जी यहाँ पे सॉरी ज़ाल से गुजारिश राइट किया है और यहाँ पे ज़े से। तो इसमें इमला की क्या गलती है, ज़े से जब आप लिखते हैं तो वो इमला की वजह से वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें गुजारिश इमला की गलती है। यह अलिफ को आपने सर्कल करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी थी इमला की गलती है, गुजारिश गुजारिश, ज़े वाला जो है ये गलत है और सॉरी ज़ाल वाला जो है वो गलत है और ज़े वाला जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, सेकंड स्टेटमेंट है, जनाबे अली के बाद निशान होता है। जनाबे अली, अलिफ ऑप्शन है ख़त्मा, बे ऑप्शन है नदाइया। ठीक है, जनाबे आली या जनाबे आलिया जब हम लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या, कौन सा साइन लगाते हैं, ख़त्मा लगाते हैं या हम नदाइया लगाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बे ऑप्शन है नदाइया। ठीक है, तो कौन सा हम लगाते हैं साइन, नदाइया। ठीक है, आपको मैं साइन भी बता देती हूँ, ये ख़त्मे का साइन है और ये नदाइया का साइन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास दुरुस्त इमला है, दुरुस्त इमला है। अल आरिस बे में आ जाता है अल अर्स, तो दुरुस्त इमला है हमारे पास अल आरिस, अलीफ को आपने सर्कल करना है अल आरिस। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास दरख्वास्त में दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल है, दरख्वास्त में दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल है। अलीफ ऑप्शन है ताबेदार, बे ऑप्शन है ताबे फरमा। तो हमारे पास सही इसका क्या है इस्तेमाल, बे ऑप्शन को आपने सर्कल करना है ताबे फरमा। क्या है, दरख्वास्त में दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल है, अलिफ ऑप्शन है ताबेदार, बे ऑप्शन है ताबिया फरमा। तो क्या है, ताबिया फरमा, बे को आपने सर्कल करना है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अपने हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के नाम दरख्वास्त लिखिए कि वो आपके लिए नज़दीकी तफरीही मकाम की सैर का बंदोबस्त करें। जी, ये हमारे पास 6 मार्क्स हैं। अब हम दरख्वास्त लिखते हैं, जी बाख़िदमत जनाब प्रिंसिपल, बाख़िदमत खिदमत जनाब प्रिंसिपल प्रिंसिपल दारे अरकम स्कूल फैसलाबाद। जी, जनाबे आली, अगर हम किसी मेल पर्सन को लिखते हैं तो हम लिखते हैं जनाबे आली, और अगर हम किसी फीमेल पर्सन को लिखते हैं तो हम लिखते हैं जनाबे आलिया।
आलिया। एंड पे क्या होगा? खत्मा, सॉरी नदाइया का निशान। मौत बानना गुजारिश है। गुजारिश है के सालाना इम्तहानात से के हम सालाना इम्तहानात से फारिग हो चुके हैं, हो चुके हैं। हम चाहते हैं के फरागत के लम्हात के लम्हात का बेहतरीन इस्तेमाल करें। किया जाए और हम चाहते हैं कि किसी नज़दीकी मकाम की सैर पर जाने का बंदोबस्त किया जाए। इससे हम ना सिर्फ इससे हम ना सिर्फ फरागत का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमें तारीख से भी तारीख से भी वाकफियत हासिल हो जाए। जी
जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। नवाजिश होगी। अलआरस आपका ताबिया फरमा का की ताबिया फरमा शागिर्द और आ जाएगा शागिर्दा। नीचे होगा नाम। आप अगर डेली रूटीन में राइट कर रहे हैं तो फिर आप अपना नेम लिखेंगे, अगर आप इम्तिहान में राइट कर रहे हैं तो अलीफ बे और जीम लिखेंगे, और नीचे अपनी क्लास का नाम। और इस साइड पे आप क्या करेंगे, डेट लिखेंगे 23rd July 2020। जी उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और आपने अपनी शीट जो है उसको सॉल्व कर ली होगी। हाँ जी, हम वीडियो को स्टॉप करने से पहले आपको मैं बताती चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ओके, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।